अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन अल्ताफ। दोस्तों आज हम जो ये आपने शुरू में वीडियो देखी, आज ये बनाना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने काइनेमास्टर को ओपन कर लेना और दरमियान वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। काइनेमास्टर आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से। तो आपने जैसी आपके वीडियो के वैसा आपने चूज़ करना है। तो मैंने कुछ इस टाइप की वीडियो बनानी है, तो मैं इस पर टाइप करूँगा। ये काइनेमास्टर आपको प्ले स्टोर से ईज़िली मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आपने ऊपर ये जो मीडिया है ये वाला, आपने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप मीडिया पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपने कोई फ़ाइल चूज़ करनी है। मैं अपना ये बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड हम यहाँ से मुख्तलिफ बैकग्राउंड होते हैं, तो मैं इधर से जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो चूज़ कर लेता हूँ। ये स्टेटर अगर आपने बनाना है तो आप इस तरह बनाएंगे, जैसे मैं आपको बताऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसको आगे आप जितना आप बनाना चाहते हैं उतना कर लें। मैं इसको 15 सेकेंड का बना लेता हूँ, तो आप जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ मीडिया वाला जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये फाइल जो भी आपके पास डाउनलोड में होगी, ये वाली जो वीडियो है ये आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। तो ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना, ये मैं कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों हमारे पास एडजस्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखें, ये आपको थोड़ी सी चला कर दिखा। तो इस तरह की ये वीडियो है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपने दोबारा जो है लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। तो मैं अपना जल्दी से फटाफट नाम लिख लेता हूँ। तो ये मैंने अपना नाम लिख लिया हसनैन, तो ओके कर दिया। यहाँ पर आपको अपने नाम को जो है वो अच्छी तरह, यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी के साथ ये काम होता है एडजस्ट करके। यहाँ पर आपको ये फ़ॉन्ट्स, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं, आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लें। तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मैं इधर से रन वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने चूज़ किया, ये AA जो लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके मैंने इसको इसका इंतखाब किया। तो यहाँ पर इसको आपने अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। तो ये इधर मैं इसको रख रहा हूँ, अपने नाम को इधर। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, फिर देखते हैं क्या ये करता है। पहले आपने इसको अच्छी तरह जितना आपने स्टेटस बनाना उतना कर लें, फिर आप इसको अच्छी तरह, ये देखिए ये मैंने इधर एडजस्ट कर रहा हूँ, ये हो गया। तो फिर आपने दोस्तों क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये साइड पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके ये डुप्लीकेट, इस पर क्लिक कर देना है। ये हमारे पास एक इसकी कॉपी तैयार होगी। नीचे वाला जो है ये कॉपी तैयार हुई, इस पर आपने क्लिक करके, ये नीचे वाला जो है ये वाला, इस पर आपने क्लिक करके, यहाँ पर ये रंग है, इस पर इसको आपने रंग दे देना। तो मैं इसको सब्ज़ रंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम टिक लगाते हैं, ये हमारे पास सब्ज़ रंग। फिर आपने क्या करना, ऊपर वाला जो सफ़ेद रंग वाला, इस पर क्लिक करके यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन पर इसको फ्लिकर जो है ये एनिमेशन दे देनी है। तो ये दोस्तों हम चला कर देखते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह इसके साथ मिल चुका है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है अब ये। तो ये दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा लेयर में जाते हैं और यहाँ पर फिर टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिख लें ईद मुबारक। तो ये मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये ईद मुबारक मैंने लिख लिया। तो इस पर आपने इसको भी फॉन्ट्स में आकर इसको कोई फॉन्ट दे देना। तो मैं इसको रॉबर्ट बुलिक वाला, मैंने रॉबर्ट वाला दे दिया। तो यहाँ पर ईद मुबारक आपने इस पर क्लिक, यानी कि हमारे इसको भी आपने यानी कि अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया तो इसको आपने पूरा यानी कि जहाँ तक आपने स्टेटस बनाना है वहाँ तक ले जाएं। ईद मुबारक इस पर आपने दोबारा, फिर ये साइड पर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करके इसको भी आपने डुप्लीकेट कर लेना है। तो ये डुप्लीकेट हमारे पास हो गए। ये जो नीचे वाला ये डुप्लीकेट है, इसको आपने दोबारा रंग कोई और देना है। तो मैं यहाँ पर इसको जो नीला रंग दे देता हूँ, ठीक हो गया। ऊपर वाले पर आपने दोबारा फिर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इसको ओवरऑल एनिमेशन में आकर इसको फ्लिकर, ये वाला ऑप्शन, ये देखें आप थोड़ा सा चला कर देखते हैं कैसा, ये देखें ये इस तरह शो होगा। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। वीडियो को एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। फिर आपने 3 लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। यहाँ पर आपको ये वाली एक पिक्चर आई, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। तो ये देखें ईद उल फितर मुबारक, यानी कि आप ईद उल फितर है ना, इस वजह से आपने ये लगाना ईद उल फितर मुबारक। इसको भी आपने जहाँ तक स्टेटस बनाना वहाँ तक ले जाएँ। ईद उल फितर यहाँ पर क्लिक करके आपने इन एनिमेशन में आना है, और इसको आपने स्लाइड लेफ्ट कर ले, जो मर्ज़ी कर ले। मैं इधर स्लाइड लेफ्ट करता हूँ, यहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसकी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर रख देते हैं।
तो ये देखें, आपको थोड़ा सा चला कर दिखाते हैं, ये देखें, ये ऐसे आपके सामने फिर शो होगा। तो दोस्तों इस तरह, इस यहाँ तक आपको समझ लगी, यहाँ पर आपने दोबारा लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ये ओवरले यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखें मैंने ये दो डाउनलोड कर रखे हैं, रमज़ान है, ईद उल फितर मुबारक। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये गेट मोर पर ये क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये मेरे पास इंटरनेट अभी नहीं है तो ये इसलिए आ रहा है। तो ये रमज़ान ईद मुबारक, यहाँ पर आपको ये कोई भी चूज़ कर ले, तो मैं ये सबसे नीचे वाला ये चूज़ कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह ये कोने में एडजस्ट कर लेना है। तो ये एडजस्ट हो गया यहाँ पर, तो इसको आप 5 सेकंड तक कर लें, तकरीबन 5 सेकंड तक। तो ये 5 सेकंड तक हो गया, दोबारा आपने इस पर फिर क्लिक करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर इसको डुप्लीकेट कर लेना है। तो ये डुप्लीकेट हो गया, इसको आपने आगे जहाँ तक ख़त्म होता था उससे शुरू में डाल देना। ये देखें, इसको दोबारा डुप्लीकेट कर लें और ये इसको भी आगे तक कर दें। तो ये कुछ इस तरह शो होगा, ये देखें, ये जहाँ पर ख़त्म होगा दोबारा वहीं से फिर शुरू हो जाएगा, ये देखें। तो आगे फिर आपको क्या करना है, फिर आपने यहाँ लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओवर ले में आना और ये देखें, फिर यहाँ पर आपको एक कोई एक चूज़ कर लें। तो मैं इधर कौन सा, ये सबसे दूसरे नंबर वाला कर लेते हैं, ये दूसरे नंबर वाला आ गया, इसको भी आप 5 सेकंड तक कर लें। पहले आप इसको अच्छी तरह एडजस्ट कर लें जहाँ पर आपने लगाना है। तो ये हमारा लग चुका है, इसको आप 5 सेकंड तक कर लें, जितना मर्ज़ी कर लें। तो 5 सेकंड तक कर लिए, इसको आपने फिर दोबारा 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है। तो ये दोस्तों आपने इस तरह इसको एडजस्ट कर लेना, आप जैसा भी कर सकें इसको आपने अपने तौर पर कर लेना। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो ये यहाँ तक आपको समझ लग चुकी होगी। अब आपने दोबारा लेयर में आना है और जो तीसरा है वो थोड़ा सा ये कोना खाली, यहाँ पर भी एक एडजस्ट कर लेते हैं। दोबारा लेयर में आपने आना है, तो मीडिया लेयर में आना, ओवरले में आना है, वही काम करना है आपने दोबारा। तो आपको कराता हूँ ओवरले, यहाँ पर हम दाना इंडो से, तो यहाँ पर हम चौथा जो है ये चूज़ कर लेते हैं। तो चौथे वाला, इसको आप ये जो नुक्कर, ये कोना जो रह गया था इस पर आप लगा दें, ये लग गया। तो इसको भी आपने इसी तरह डुप्लीकेट करके 5 सेकंड तक बढ़ाकर इसको आपने एडजस्ट कर लेना, ये आप अपने तौर पर काम कर लेना। तो ये देखिए, आपको एक समझा देता हूँ, डुप्लीकेट किया इसको आपने, जैसे डुप्लीकेट हुआ तो इसको आपने आगे ले आना, ये देखें, ये आप अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना। तो दोस्तों ये देखें, अब हमारे पास ये, मैं चला कर आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टेटस तैयार हो चुका है। तो दोबारा आपने ये इधर ऑडियो पर क्लिक करके अपना जो भी होगा आपके पास सॉन्ग या जो भी आप नात वगैरह लगाना चाहें यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो मैं सबसे नीचे एक मैंने ये डाउनलोड कर रखी ईद मुबारक वाली, तो ये मैं लगा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ प्लस पर क्लिक करके ये लग गई, तो यहाँ ऊपर क्लिक कर देना, ये देखिए हमारे पास लग चुकी है, जैसा जितना आप काटना चाहें काट सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा स्टेटस बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा चला कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की पसंद होगी। यहाँ पर आपने ऊपर वाला ये जो घर साइज पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये वाला हमने बनाया था, यहाँ पर शेयर पर आपने जाना और एक्सपोर्ट पर आपने इसको डाउनलोडिंग पर लगा देना, तो ये आपके पास गैलरी में सेव होना शुरू हो चुका है। दोस्तों ईद उल फितर मुबारक को इस तरह का आप अगर मज़ीद स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखें आप, ये हमारे पास सेव हो रही है ये गैलरी में, ये देखें अभी ये जल्दी जल्दी हो जाएगी ये स्टेटस इस तरह। ये काइनी मास्टर अगर आपके पास इस तरह का नहीं है बगैर वाटरमार्क के, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें।